नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम एक बार फिर डॉक्टर जोगिंदर टाइगर के फन मिले आए हैं। डॉक्टर साहब के को लंच टाइम में हमने स्पेशल इसीलिए पकड़ा है कि वो हमें किसी एक विषय पे जानकारी जरूर दें, और वो आज का विषय है सर्वाइकल। डॉक्टर साहब, सर्वाइकल क्यों होता है? दरअसल सर्वाइकल होने से पहले हम ये जानेंगे सर्वाइकल क्या होता है। दरअसल हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जिसे पूछल की हड्डी भी बोलते हैं, ये हमारे शरीर के पिछले भाग में होती है। ठीक है, ये सर से पीछे से लेकर नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, और सारा जो हमारा नाड़ी सिस्टम है, ये दरअसल रीढ़ की हड्डी को हम अपना ब्रेन भी कह सकते हैं, क्योंकि शरीर का सारा संपर्क रीढ़ की हड्डी से ही ब्रेन से होता है, और रीढ़ की हड्डी सा ही टांगों से होता है, बाहों से होता है, सारा कुछ रीढ़ की हड्डी सी की वजह से ही। इसको इसलिए लाइफ लाइन भी कहते हैं लोग, आपको पता होगा, रीढ़ की हड्डी को कहते हैं कि जिंदगी की असली कड़ी रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी से ही हमारा सारा कुछ चलता है। रीढ़ की हड्डी में हमारे दरअसल 32 वर्टेब्रे होते हैं। देखने में जो विजिबल नजर आते हैं वो 26 होते हैं। 26 में से 7 वर्टेब्रा जो हमारा, जिसे आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बात कहते हैं, 7 वो होता है, 12 थोरैसिस का होता है, और 5 लंबर का होता है, 1 फिर हमारा मेरुदंड का होता है, 5 कॉक्सिक्योर्फ्यूज वर्टेब्रे के, ऐसे 32 वर्टेब्रे ये होते हैं। ये 32 वर्टेब्रों से ये हमारा एक सिस्टम जो है ये पूरा, ये क्योंकि बॉडी का जो फ्रंट साइड है बेसी सही रूप में वो रीढ़ की हड्डी है। कुदरत ने कमाल किया हुआ कि फ्रंट को पीछे रखा हुआ है। अगर रीढ़ की हड्डी को चोट आ जाए तो आदमी जहाँ भी चोट आ जाएगी, जहाँ जहाँ से कट जाएगी वहाँ से ही अपाहज हो जाएगा। इसलिए उसके बचाव के लिए रीढ़ की हड्डी को कुदरत वाले ने जब शरीर को बनाया पीछे रखा। बेसिकली शरीर का जो फ्रंट वाला जगह है या पासा है जिसे कहते हैं, वो रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी में जो ऊपर वाला भाग है 7, जिसे हम कहते हैं 7 वर्टेब्रा, उन्हें सर्वाइकल कहते हैं, जिसकी आप बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्यों है आप पूछ रहे हैं, इसके कई कारण हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जो मैंने देखा है वो उसका कारण है पेट। और जितने डॉक्टर के केस मेरे पास आते रहते हैं वो कहते हैं इसका ये, इसका कुशन खराब हो गया, इसका वर्टेब्रा खराब हो गया, इसका ये हो गया, वो हो गया। जितने केसों में मैं देखता हूँ, इतना इतना सारे वर्टेब्रों में ही प्रॉब्लम आई होती है, और आम देखा जाए डॉक्टरों के भी उस जगह वर्टेब्रों में प्रॉब्लम आई होती है। दरअसल रीज़न क्या है कि उम्र के साथ साथ ये सारा सिस्टम है, जो हमारे कुशन हैं ये भी हल्के फुल्के दबते रहते हैं, सारा कुछ होता रहता है, मगर जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो सीधी हमारे पेट से रिलेटेड है, पेट से, गॉल ब्लैडर से और लीवर से। और जब पेट में हमारे एसिड होगा, पक्का ये ध्यान दीजिए, गैस होगी या कंटिन्यूसली कॉन्स्टिपेशन होगी, उन केसों में अगर लगातार रह रही है, उसको एसिड बनता रह रहा है किसी को, या कोई लगातार शराब पी के रेस्ट नहीं कर रहा, या कोई बंदा वैसे भी रेस्टलेस रह रहा है, नींद पूरी नहीं कर रहा, उसका स्टोमिक हमेशा अपसेट होता है। रेस्टलेस होने से स्टोमिक अपसेट होता है। जब स्टोमिक अपसेट होता है तो स्टोमिक में एसिड बन जाता है और गैस बन जाती है। वो जो हमारी जो गॉल ब्लैडर मेरिडियन है, ये यहाँ से चलकर यहाँ जाती है, इसका एक जगह इधर से सर्वाइकल को जाता है पीछे को, ये पीछे को जहाँ जाता है वहाँ से इस पेन में गैस फंस जाती है। वो गैस की वजह से सर्कुलेशन पूरा नहीं होता, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, स्पाजमा आ जाता है, जिसकी वजह से ये सर्वाइकल का पेन फिर इतना लगता है जैसे कि ये फट जाएगा यहाँ से। बहुत मेन कारण तो ये है। दूसरा कारण इसका पोस्चर है, तीसरा कारण इसका एक्सरसाइज ना करना है, और चौथा कारण इसका लगातार टेबल पे, कंप्यूटर पे कंटिन्यूसली बैठे रहना और एक पोस्चर में काम करते रहना, ये है। एक इसके और बहुत कारण है जी। डॉक्टर साहब, जब सर्वाइकल हो जाता है तब पेशेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर सबसे पहले मैं सारे केसों में ही कहता हूँ कि सर्वाइकल इंसान को हो ही ना, इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि वो तेजाब वाला खाना और बॉडी में, पेट में तेजाब और गैस और कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, और उसके साथ नींद पूरी लेते हैं। दरअसल एक तो हम खान पान गलत खाते हैं, एक रात को देर तक पूरी जागते रहते हैं, नींद नहीं लेते, और उसमें क्या होता है, एक तो रेस्टलेस होता है, दूसरा उसका पेट साफ नहीं होता, दोनों रीज़न बन के सर्वाइकल हो जाता है। तीसरा, जिन लोगों को सर्वाइकल
बैठने की वजह से है, जो कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, टेबल पे बैठे रहते हैं, या जिनको मजबूरी में बैठकर काम करना पड़ता है, उनको ये दरख्वास्त है मेरी कि वो उठकर हर 2 घंटे बाद हल्का फुल्का इधर उधर मूवमेंट करें, और हो सके 2-3 अपने ये पुशअप लगाएं, जिससे ये सारा बॉडी सर्कुलेशन पूरा होता रहे, सर्वाइकल हो ही ना। और कंप्यूटर वालों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि हर 2 घंटे बाद उनका 20-25 मिनट का ब्रेक होना चाहिए, ताकि सर्वाइकल उनको हो ही ना। और दूसरा, जो टेबल पे काम करते हैं, बाबू लोग हैं, कंप्यूटर का काम नहीं करते, उनको भी लगातार बैठना पड़ता है। बैठने से उनका सर्कुलेशन जो है स्पाइन में कम हो जाता है, स्पाइन के, क्योंकि जो स्पाइन ही है वो सारे ब्रेन को बॉडी से जोड़ती है, और अगर उस नाड़ी सिस्टम में ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाती है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात होती है। इसलिए बैठने से सर्कुलेशन कम रहती है, इसलिए सभी को कुछ देर के बाद, 2-3 घंटे के बाद डेफिनेट 5-4 मिनट के लिए मूवमेंट करनी चाहिए, और 1-2 पुशअप जरूर करनी चाहिए, और थोड़ी बहुत ही रिफ्रेशमेंट ले लेनी चाहिए, और उठकर 1-2 बार पानी जरूर पी लेना चाहिए, और जहाँ हो सके कोई गर्म चीज़ पी लेनी चाहिए। इनसे सर्वाइकल फिर होता ही नहीं। सर्वाइकल के लिए खास दवाइयों की जरूरत नहीं होती। अगर सर्वाइकल हो जाए तो इसके लिए एक परमानेंट दवाई है, वो साइटका पेन में भी वही काम आती है, सर्वाइकल में भी वही काम आती है, और स्पेशली जब औरतों को मीग्रेन हो जाता है, क्योंकि सर्वाइकल, जिनको मीग्रेन होता है, बीपी कम होता है, जिन औरतों को बीपी होगा, लो बीपी होगा, उनको मीग्रेन भी होगा। जिनको मीग्रेन होगा उनमें से 60% को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी होगा। इसलिए ये जेंट्स के लिए भी, लेडीज़ के लिए भी पक्की दवाई है, उसमें से पक्का ये मेरा अजमाया हुआ नुस्खा है। कमरकस, वो जो सूखा अदरक जिसे कहते हैं, सौंठ, अश्वगंधा नेगौरी, मिठी सरिंज और खांड, ये 5 को बराबर मात्रा में लेकर इसका 2-2.5 ग्राम दूध से सुबह, 2-2.5 ग्राम शाम को लें। कभी सर्वाइकल होता ही नहीं, अगर होगा तो दोबारा होगा ही नहीं, और जो होगा 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। ये पक्की दवाई है, और दवाइयाँ ढूंढने की जरूरत ही नहीं, ये घरों में ही मिल जाती है, और सस्ती है, और घरेलू नुस्खा है। मतलब अगर अचानक से काफ़ी तेज सर में दर्द हो और लगे कि सर्वाइकल हो रहा है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? उस वक्त आपको बहुत है, जैसे हमारे पास पुदीने का सत है, पुदीने का सत ले सकते हैं, पुदीने के सत को माथे पे लगा सकते हैं, सर्वाइकल वाली जगह पे लगा सकते हैं, उसके लगाने से तो ठीक हो जाता है, वो बहुत काम करता है। तब मीग्रेन भी हो जाए साथ में, तब क्या करना चाहिए? मीग्रेन के लिए ये मैं आपको बोला है, ये दवाई पक्की है, ये खाते रहें आप। अगर मीग्रेन के लिए अगर वो आपके पास नहीं है तो अदरक वाली चाय बना लें, अदरक वाली चाय बनाकर और साथ में तुलसी के 2-3 पत्ते डाल लें, उस मीग्रेन वाले को दें, वो मीग्रेन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ठीक हो जाता है। मतलब कई बार सर्वाइकल जब होता है तो कई पेशेंट बोलते हैं कि गर्दन ऊपर करा है तो भी चक्कर आते हैं, गर्दन नीचे करते हैं तो भी चक्कर आते हैं, तो क्या सर्वाइकल में दोनों तरीके से होता है ऐसे सर्वाइकल? या हाँ, वो ठीक कहते हैं। दरअसल क्या होता है, सर्वाइकल जहाँ होता है ये मोस्ट प्रॉब्ली ये 4-5 नंबर के करीब होता है ऊपर वाले सर्वाइकल में, और ऊपर 6 में भी चला जाता है। इसमें क्या होता है, जो जब सर्कुलेशन कम होता है उस वहाँ विंड चली जाती है, उसमें थोड़ा स्पाजमा आ जाता है। जब हम नीचे करते हैं स्पाजमा आने की वजह से, तब भी ये कुशन और वर्टीब्रा इस पर प्रेशर डालते हैं बैक साइड पे, तब भी पेन होती है, ऊपर को करते हैं तब भी पेन होती है, इसलिए पेन होती है। इसके लिए एक्सरसाइज भी है, इसको अपनी जो नेक है इसको हम ऐसे ऐसे ना इसका करके इसको घुमा कर ऐसे नेक को हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे इसको रेगुलर हम करते रहें। मतलब कितनी बार करना? ये जितनी बार आराम से कर सकें, 2 बार इधर 2 बार उधर फिर 3 बार उधर 3 बार उधर जितनी बार हो सके कर सकें। और जो स्पेशली टेबल पे काम करते हैं, टेबल का मतलब कंप्यूटर पे काम करते हैं, जब बाबू लोग हैं, जब कोई चेयर पे बैठ के काम करने वाले लोग हैं जिनके पास वक्त नहीं होता, वो अगर चल फिर नहीं सकते तो 2-3 घंटे बाद अगर 3-4 बार ऐसे 3-4 बार एंटी क्लॉक ऐसे कर लेते हैं तो सर्वाइकल होता ही नहीं। इसके बहुत आसान तरीके हैं, और हम आसान तरीकों को अपनाने की जगह थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बन गए हैं, और अमीरी की जगह बीमार होना ज़्यादा पसंद करते हैं अच्छे इलाज लेने के लिए, इसलिए ज़्यादा चक्कर ये भी बना हुआ है। वैसे तो घरेलू इलाज में ही सर्वाइकल ठीक हो जाता है।
मतलब इसके अलावा कोई और एक्सरसाइज भी है सर्वाइकल? हाँ, और एक्सरसाइज बहुत हैं, मगर वो एक्सरसाइज यहाँ स्टूडियो में नहीं हो सकती, वो तो ओपन में होगी, जहाँ मैं करके दिखाऊंगा आपको, जहाँ मेरा वो लगा हो गद्दा तो मैं दिखा देता हूँ, मगर यहाँ स्टूडियो में ऐसे कैसे करेंगे या टेबल पे बैठकर, वो मुश्किल हो जाएगा। टेबल वाली एक्सरसाइज मैं आपको पहले बता ही दी कि अगर अपने नेक को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर लें, इधर से दबा लें, एक बार आगे कर लें, एक बार पीछे हो कर लें, ये एक्सरसाइज मेरे ख्याल में सबसे बेटर एक्सरसाइज है और बढ़िया एक्सरसाइज है। अगर आप इसको 5-5 बार करते हैं दिन में, अगर बैठे बैठे आप 3 बार कर लेंगे तो कोई दवाई की जरूरत भी नहीं होगी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी नहीं होगा, और साथ में आंखों की निगाह भी कम नहीं जल्दी होगी, और साथ में ये जो झुर्रियां पड़ती है नेक में ये भी कम पड़ेगी। डॉक्टर साहब, रीट की हड्डी से रिलेटेड साइटिका पेन भी होता है, तो आप हमें उस पेन के बारे में भी बताएं। हाँ, दरअसल साइटिका पेन को अक्सर आम भाषा में रीं का दर्द कहते हैं। रीं का दर्द दरअसल जो आजकल मेडिकल साइंस इसको डील कर रही है, बात कर रही है इस पर, वो तो हमेशा जब बात कोई डॉक्टर के पास जाएगा वो कहता है आपका तो कुशन ख़राब हो गया, आपकी तो रीढ़ की हड्डी की जो वो बीच में जो कुशन है वो वर्टिब्रा है जो उनका जो गैप कम हो गया, मगर दरअसल वो ठीक भी हो जाता है। दरअसल वो ऐसा नहीं है, दरअसल रीं की पेन का सीधा संबंध हमारी किडनी से है। जब किडनी में हीट कम होती है, हीट कम होने की वजह से किडनी में गैस सर्कुलेशन होती है, ये चारों वर्टिब्रा जो है L5, L4, और L3 ये सारे का किडनी से रिलेशन है। वो जब होती है तो किडनी से जिस एडवर्स इफेक्ट से जिस जगह वो गैस सर्कुलेट हो जाती है, वो गैस सर्कुलेट होकर हमारी टांगों में चली जाती है। अगर तो टांगों में बाहर जाए, बाहर की तरफ वो चीची में चली जाती है पेन, अगर अंदर की तरफ जाए वो अंगूठे में चली जाती है, अगर फ्रंट में चली जाए तो पैर के ऊपर चली जाती है, अगर पीछे को चली जाए तो एडी में चली जाती है। इस पेन के लिए ये पेन बहुत खतरनाक होती है, कई बार तो ऐसे लगता है आदमी को कि मेरी ये नर्व फट जाएगी या मेरी नर्व को काट कर बाहर निकाल दो, इतनी पेन होती है। रात को नींद भी नहीं आती, कुछ लोग लंगड़ाने भी लग जाते हैं, और कुछ डॉक्टर तो इसकी सर्जरी का ही कहते हैं कि इसकी सर्जरी करा लो, अब आपके वर्टिब्रा खराब हो गए। दरअसल इसमें जबकि 99% ऐसा कुछ नहीं है, ये 99% हमारे पास यहाँ हम पेशेंट आते हैं ये 5 मिनट में ही ठीक हो जाते हैं, उसको साथ में 10-15 दिन दवाई खिलानी पड़ती है। उसमें एक स्पेशल हम थेरेपी देते हैं, थेरेपी से क्या होता है, हम उनको लेग्स को जब वापस मोड़ कर उनकी जो गैस होती है उनको पीछे वापस निकाल देते हैं, वो गैस निकलने के बाद उसमें ब्लड सर्कुलेशन द्वारा वापस आ जाता है, उससे इसकी पेन कम हो जाती है। उसके बाद वो दवाई देते हैं जो किडनी में गैस नहीं जाने देती, वही दवाई है जो मैं आपको सर्वाइकल के लिए बोला है, वो पक्का नोट कर लें। वो 100% उसका इलाज है, वो 99% नहीं, आपको दूसरी दवाई ढूंढनी नहीं पड़ेगी रीं की पेन के लिए। उसमें वही है, कमरकस है, मीठी सरिंज है, और दूसरे में सौंठ है, और अश्वगंधा निगौरी है, और खांड है। इन पांचों चीज़ों को बराबर मात्रा में लेकर इसका पाउडर बना लें, एक बराबर करके इसको 2.5-3 ग्राम दूध से सुबह, 2.5-3 ग्राम शाम ले लें, और 15 दिन के बाद रीं की पेन आपको तो दूसरी बात रही पड़ोसी को भी नहीं देती। इसके लिए और कोई नुस्खे की जरूरत ही ना ही दवाई की जरूरत है, ये परमानेंट नुस्खा है। ये मेरी ताकीद है सभी अपने घरों में ये नुस्खा बना कर रखें या लिख कर रखें। जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, जहाँ रीं की पेन होती है, जहाँ दूसरा माइग्रेन होता है, जहाँ हाजमा अपसेट होता है, और साथ में ये कब्जी को भी, गैस को भी, एसिडिटी को भी ठीक करता है। डॉक्टर साहब ने आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।